हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। खड़ा रह के गांड मार दूंगा भोसड़ी को की। देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ, वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। ये गरीब की माँ की चूत क्यों बैठा यहाँ पे भोसड़ी वाला? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, देख लिया आपने वीडियो? ये वही हरामखोर पिशाच की औलाद यती नरसिंहा लंड सरस्वती है, जो 2 साल से एक गुफा के अंदर सुअरों से अपनी गांड चुधवा रहा था। जी हाँ, 2 साल के बाद इसको याद आया कि अरे मुझे तो इस्लाम के खिलाफ बोलना है, मुझे तो मोहम्मद साहब के खिलाफ में बोलना है, मुझे दाढ़ी के खिलाफ में बोलना है, मुझे टोपी के खिलाफ में बोलना है, मुझे मस्जिद के खिलाफ में बोलना है। अतबन इसको तो पूरे धर्म मुसलमान के खिलाफ में ही बोलना है, हिंदू मुसलमान में विवाद पैदा करना है, देश के अंदर आग लगानी है। इतने सब बातें इसको 2 साल के बाद अचानक से याद आ जाती है। ये एक स्टेज के ऊपर खड़े होकर मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करता है और भड़वा खुला खुले माहौल में खुला घूमता है, जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं ये अपने कानून से, अपने देश के कानून से यही जानना चाहूंगा कि ऐसे जो भड़वे देश के अंदर आग लगाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं, उनके दिलों के अंदर नफरत डालने का काम करते हैं, ऐसे भड़वे हमारे देश के अंदर खुलेआम घूम कैसे सकते? इनके ऊपर FIR नहीं हो रही है, इनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। कितने बेगुनाह लोग आज जेलों के अंदर भर दिए गए, लेकिन ऐसे भड़वे हरामखोर जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, मुसलमान को हिंदू से लड़ाए, खुलेआम गिर रहे। छिनालगिरी, यही रामगिरी का नाम छिनालगिरी है मेरे हिसाब से। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते। जिसने वो छिनालगिरी करी थी उसका देखकर ये नाली के अंदर घूमने वाला है कीड़ा आज स्टेज के ऊपर खड़े होकर खुलेआम मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करता है और हमारा पूरा देश आंख मूंछ कर सो रहा है। कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये खुलेआम ऐसे ही घूमेगा। इसको तो मैं तो ये चाह रहा हूं, मैं तो ये सोच रहा हूं दिल से कि BJP जो हमारे देश के अंदर आग लगाने का काम कर रही है, वो बस इसके कुत्ते के पिल्ले ऐसे छोड़ दिए हुए। जाओ, तुम्हारे मन में जो आए वो बोलो इस्लाम के बारे में, तुम्हारे मन में जो आया मस्जिदों के बारे में बोलो, तुम्हारे मन में जो आया इनके नबी के बारे में बोलो। उचकाओ मुसलमानों को, देश के अंदर तंगे आफत माहौल खराब करो देश का, तभी तो हम वन साइड एक आएंगे, आए हिंदू का वोट लेंगे और हम ऐसे ही चलते रहेंगे। क्या मैं ये जानना चाहूंगा कि ऐसे हरामखोर लोग कब अरेस्ट हो गए, कब अरेस्ट हो गए, मुझे ये जानना है। जैसे कि हमारे तुम्हारे आका के चाहने वाले हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब 5-6 महीने से अंदर है, सिर्फ एक शेर के ऊपर, आज कुत्तों का दिन है कल हमारा दौर आएगा, बस इतना ही बोले थे उन्होंने। वो 6-7 महीने से अंदर है, ये तो मेरे नबी के शान में गाली दे रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, सुअर पिशाच खुला घूम रहा है। इसकी अरेस्टिंग की मांग करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, जुड़े रहो, बेल आइकन का बटन दबाओ, तो तुमको नोटिफिकेशन आती रहेंगी। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआओं की दरख्वास्त।